आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही खास टॉपिक पे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या इस बार भी यूपी आईवीएनएल में जो फॉर्म की डेट है वो आगे बढ़ेगी और कितने छात्रों ने अब तक के आवेदन कर दिया है यूपी आईवीएनएल के फॉर्म में। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि ये काफ़ी काम की वीडियो है और आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि इस तरीके की बहुत सारी वीडियो जब टाइम टाइम पर आती रहती है वो आपको समय समय पर मिलती रहे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या यूपी आईवीएनएल के जो फॉर्म है जो कि ख़त्म होने वाला है तो उसका डेट जो है वो आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। ये क्वेश्चन आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं और लगातार व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर मैसेज भी आता रहता है कि क्या ये फॉर्म की डेट बढ़ेगी, क्या ऐसा कुछ हो सकता है, क्या चांसेस है कि नहीं है। तो इसमें ये है कि यूपी आईवीएनएल ने दो बार तो आपकी डेट बढ़ा दी थी, तो अब की तो ये चांसेस तो कम है कि यूपी आईवीएनएल इस बार भी आपका फॉर्म की डेट बढ़ाए, क्योंकि ज़्यादातर छात्रों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया है और 70-80% छात्रों ने फ़ीस भी पे कर दी है। खाली 20-30% आपके छात्र ऐसे होंगे जो फ़ीस पेमेंट करने में दिक्कत आ रही है और उनका फॉर्म शायद अभी तक के फ़ीस नहीं हुआ है, बाकी सभी छात्रों का पेमेंट हो चुका है। तो इस बार चांसेस कम है कि आपकी डेट आगे बढ़ जाए। बाकी अगर डेट आगे बढ़ जाती है तो आपका लक, आपका नसीब, क्योंकि बहुत ही कम चांसेस हैं, क्योंकि ज़्यादातर छात्र अप्लाई कर चुके हैं। अब बात कर लेते हैं कि कितने छात्रों ने किया है वह आवेदन, कितने चांसेस हैं कि कितने छात्र एक सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, आप सब जानते हैं कि यूपी आईवीएनएल में जो वैकेंसी आई है आईटीआई के लिए TG2 की, तो वो काफ़ी कम वैकेंसीज हैं। और आप भी जानते हैं कि आप में से काफ़ी छात्र ऐसे होंगे जिनके दोस्त अप्लाई नहीं किए होंगे, आपने किया होगा लेकिन आपके दोस्तों ने अप्लाई नहीं किया होगा। और साथ ही बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिन्होंने COE से ITI किया है, COE से उनका सर्टिफिकेट है लेकिन वो अप्लाई नहीं कर सकते, तो ऐसे छात्र भी अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। और साथ ही बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो केवल UPBCL के लिए तैयारी करते हैं तो वो भी अप्लाई नहीं कर रहे हैं। और काफ़ी छात्र ऐसे हैं जो CCC को लेकर के उनके मन में संकोच है कि क्या CCC सही समय पर रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या मेरे पास CCC नहीं है तो मैं अप्लाई नहीं कर पाऊँगा, ऐसा भी काफ़ी छात्रों को लग रहा है, जबकि ऐसा नहीं है, वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनमें से काफ़ी छात्र में अभी भी अप्लाई नहीं किया होगा, तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि काफ़ी छात्रों की संख्या जो है वो अप्लाई नहीं कर रही है, तो इस बार छात्रों की संख्या जो है वो कम रहने वाली है, ऐसी अनुमान है। और कितनी रह सकती है, ये अप्रॉक्सीमेटली 30-35 हज़ार छात्र ही अप्लाई कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली ये अंदाज़ा मेरा है, क्योंकि UPBCL में COE वाले भी अप्लाई करते हैं, बाकी CCC की इतनी वैधता नहीं होती, तो ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जो हैं जो ITI किए होते हैं वो अप्लाई कर देते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें CCC भी मांग रहा है और COE वाले अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से काफ़ी छात्रों की संख्या कम है और साथ ही सीटें भी काफ़ी कम है, इसकी वजह से भी बहुत से छात्र अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गई कितने छात्रों ने किया है आवेदन। और बात करते हैं कि अब ये आपने अप्लाई तो कर दिया लेकिन अब आपके पास चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि छात्रों की संख्या काफ़ी कम है, तो छात्रों की संख्या कम होने से आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ गया है। तो अभी सिलेक्शन के चांस को और बढ़ाने के लिए आप इलेक्ट्रिकल विभाग द्वारा चलाई जा रही क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी स्टडी मटेरियल आपको घर बैठे तैयारी करने के लिए आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो वो आप डिटेल्स आपके स्क्रीन पर के लिख करके आ रही है, देख लीजिए। इसमें UPBCL TG2 और यूपी आईवीएनएल TG2 दोनों के लिए ही ये मटेरियल आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सिस्टमेटिक तरीके से आपको सब कुछ इसमें लिखा हुआ है और इसको पढ़ के काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी, और कुछ आपका इस तरीके से आपका हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में ये दिखा हुआ है। तो जिन छात्रों को भी स्टडी मटेरियल अपने एड्रेस से मंगवाना है वो व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं, बाकी डिटेल्स आपकी लिखी हुई है। और सैम्पल फ़ोटो अगर आपको देखना होगा तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, गूगल पे फ़ोनपे से आपको पेमेंट करना होगा, बाकी जानकारी आपकी ये लिखी है। और साथ ही आप लोग के लिए ITI जो TG2 की वैकेंसी आई है इसके लेकर सिलेक्शन के लिए आप लोग के लिए ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं, इसकी छोटी सी फीस आपसे ली जा रही है, वो आपको डिटेल्स स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो जो छात्र भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो व्हाट्सएप कर सकते हैं पेमेंट का स्क्रीनशॉट और उनको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। डेली 2 क्लासेस चलाई जा रही हैं और उसमें अच्छे से सिलेबस कवर कराया जा रहा है, उम्मीद है कि अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं, बाकी आपने क्या फॉर्म अप्लाई कर दिया है, क्या आपकी फ़ीस पेमेंट हो चुकी है ये भी कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपकी दिक्कत हो रही है तो क्या दिक्कत हो रही है ये भी कमेंट करें, और क्या आप ज्वाइन करना चाहते हैं, मटेरियल आपको अगर लिया है तो कैसा लगा है ये भी कमेंट करके बताइए। तो उम्मीद करते हैं
आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और देखते रहिए इलेक्ट्रिकल विजन।